आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन, आप लोगों को ये शिक्षा प्रेरक हैं क्या? पूरे यूपी में आंदोलन चल रहा है, दो साल से इनका वेतन नहीं दिया गया, मात्र 2000 रुपया वेतन मिलता है। मुझे तो लगता है ये देश जानता भी नहीं होगा। और 2000 रुपया पेंशन मिलता था, सॉरी सैलरी इनकी मिलती थी इनको, और 2 साल से नहीं मिला है। उसके बाद बिना बताए हटा दिया भी गया है, बिना बताए। क्या मोदी जी, हे मोदी जी, क्या बताइए योगी जी, भाजपा सभी पार्टी, हर पार्टी से मैं कह रहा हूँ, चुल्लू पर पानी कहीं डूब लो बेटा उसी में मर जाओ। मतलब तो आपके बस का नहीं है देश, अब लगता है देश बेलने से ही चलेगा। देश की माताएं, आपके बेटों का हक नहीं मिल रहा है, बच्चों का हक नहीं मिल रहा है, किसी का हक नहीं मिल रहा है, बेलना उठाना पड़ेगा। उठाएंगे, लेकिन बाकी औरतें तो साथ देंगी नहीं आपका। तो बताइए योगी जी से क्या कहना चाहती हैं, खुल के कहिए, डरिए मत। कहना चाहते हैं कि हमारी संविदा बहाली करे, और जो है कि हम लोगों का बकाया मानदेय दे, हम लोगों को नवीनीकरण। और रखा कौन था आपको, सपा सरकार? जी केंद्र सरकार। अच्छा केंद्र सरकार, सपा जी। तो सपा को भी विरोध करना चाहिए ना। अखिलेश यादव जी खाली नौकरी पर रखते हैं, हट जाने के बाद फिर गायब। लड़िए, अगर वोट चाहिए तो लड़िए, नहीं तो ये महिलाएं अब पार्टी बना लेंगी, देश पर शासन करेंगी। आप लोग बेटा लोग बेलना सिखाएंगे लात। ताली बजाइए। मैं उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।